नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरं। नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक लंबे समय के बाद आप सबों से मुखातिब हूँ एक नए कार्यक्रम को लेकर। और आज हमारे चर्चा का विषय शनि देव ही रहेंगे। चर्चा शुरू करूँ उसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसके लिंक को साझा करें। देखिए, शनि देव की अगर हम बात करें तो बिना किसी विलंब के मैं आपको बताऊं कि ये 5 जून लास्ट वीक से ही ये रेट्रोग्रेड मोशन में आ चुके हैं और शुरुआती कुछ दिनों तक शनि बिल्कुल स्तंभन की अवस्था में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। ये डिग्री में नहीं, अभी मिनट में मूव करेंगे और वो भी अभी के जो अभी जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये बिल्कुल स्टेशनरी पोजिशन में है और इसके बाद वो धीरे धीरे गति को पकड़ेंगे और वक्री चाल से वो पीछे होते जाएंगे। तो 5 जून से 12 जुलाई तक शनि देव कुंभ राशि में ही वक्री होते रहेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में। इनको अभी अक्वेरियस साइन को पार करते करते 12 जुलाई आ जाएगी और उसके बाद पुनः वो 12 जुलाई से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, शनि देव के बारे में मैं आपको जितनी भी बात बताऊं कम है और ज्योतिष जगत में जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं उन सबों के ट्रांजिट पे हम ज्योतिषियों की नज़र बनी रहती है और ये जितने भी हम लोगों को बताया जाता है कि जितने जिस ग्रह की गति जितनी धीमी होती है वो हमारे जीवन में प्रभाव देने की क्षमता उनकी उतनी ज़्यादा होती है। तो शनि निसंदेह हमारे कर्मों के कारक हैं, जस्टिस लविंग हैं। शनि देव प्लेज द रोल ऑफ चीफ मैजिस्ट्रेट टू ऑल द नेटिव्स एंड ही गिव्स गुड एंड बैड रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा। सो दैट्स द सिंपल लॉजिक बिहाइंड द वर्किंग एंड मोडस ऑपरेंडाई ऑफ शनि देव लॉर्ड सैटर्न। एक जो चीज़ मैं रेट्रोग्रेड मोशन से जुड़ी हुई बात है वो ये बताऊंगी कि चूंकि ये बहुत रेट्रोग्रेड मोशन में जब प्लैनेट आते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है तो वो जिस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कुंडली को वहाँ पे आप थोड़े से डिलेज का सामना कर सकते हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आप फील कर सकते हैं कि ये जो 2 दिनों का काम था वो 4 दिन में क्यों हो रहा है। इस तरह की स्थितियों से आप सामना कर सकते हैं। ये सिर्फ किसी एक राशि के बारे में बात नहीं है, ये हम सभी 12 राशि वाले जातकों पे बात खरी उतरेगी। मैं एक बात और बताना चाहूँगी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले कि आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, आप पूरे वीडियो को देखिए तब आपको एक बेटर ओवरव्यू मिल पाएगा सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। मैं अपने फलादेश को बताऊँ उसके पहले आपसे आग्रह करूँगी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतरदशा चल रही है और आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, बहुत वेल पोजिशनड हैं अपने अपने स्वराशि में या अपने मित्र ग्रह की राशि में हैं या अपनी उच्च राशि में हैं, तो आप यकीन मानिए ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदायक रहेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि देव आपकी कुंडली में अभी आपकी महादशा चल रही है शनि की या अंतरदशा चल रही है शनि की लेकिन वो बहुत अपनी नीच राशि में है या किसी शत्रु राशि में है तो इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो आपके लिए ये थोड़ा सा संभलने वाला समय रहेगा क्योंकि जैसे ही 29 अप्रैल को शनि देव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आए थे तो हम सभी जातकों के जीवन में एक खुलापन सा महसूस हुआ और उस 29 अप्रैल के बाद से ही आप थोड़ा आप इन जनरल अपने मंडेन एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूं तो पूरी दुनिया में थोड़ा सा जैसे हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो बीमारी वो महामारी उसका भय थोड़ा कम होता चला गया हम लोगों के मानस पटल से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर से जबकि पुनः एक बार शनि देव वापस आ रहे हैं और 12 जुलाई के बाद फिर से मकर राशि में बहुत लंबे समय तक रहेंगे और वो अगले साल जनवरी में फिर से
डायरेक्ट होके वो कुंभ राशि में फिर आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। तो ये जो मैं फलादेश बता रही हूँ आपको, जुलाई से 12 जुलाई से लेकर अगले जनवरी तक की है। तो इस भविष्यफल को आप जरूर देखें, ये आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। तो इस भविष्यफल को तैयार करते समय हमने शनि देव के पोजीशन की गणना आपके चंद्रमा से की है, तो आप अपने चंद्र राशि के हिसाब से इसे जरूर देखिए। और वैसे भी 7.5 चंद्रमा को ही लगती है, तो चंद्रमा शनि के प्रेडिक्शंस को जानने के लिए आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा के पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से जानना और समझना चाहिए। अब इस भूमिका के बाद मैं सीधे बात शुरू करूंगी एक एक करके सभी 12 राशियों की। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं के बारे में कि शनि देव की वक्री अवस्था उनके लिए क्या परिणाम लेकर आ रही है। शनि देव आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में आपके द्वादश भाव में चल रहे थे और 12 जुलाई के बाद से वो पुनः आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में आ जाएंगे। द्वादश भाव हमारे खर्चों का होता है, व्यय का होता है, हमारे आध्यात्मिक उत्थान का होता है और ये कारागास और ये हमारे एकांत और हमारे मौन का भी होता है। बहुत रहस्यमयी भाव है द्वादश भाव, और एकादश भाव हमारे लाभ का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, हमारे मिलने वाले प्राइजेस अवार्ड्स का होता है और बहुत सारी लाभ की स्थितियां लाने वाला होता है। अभी निसंदेह आपके द्वादश भाव में भ्रमण के दौरान शनिदेव आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि लाए होंगे। उन सभी खर्चों पर प्रतिबंध भी लग जाएगी जब एक बार शनिदेव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर सैटर्न आपको, यहाँ पर मैं आपके हेल्थ को भी बहुत अलर्ट रहने की सलाह दूंगी। सेहत के लिए आप बिल्कुल सेहत के लिए आप बहुत ध्यान रखिएगा, हेल्थ संबंधी कोई इश्यूज ना आए इसके लिए आप डॉक्टरों और चिकित्सकों की परामर्श जरूर लेते रहिएगा। अगर आप बिजनेस मैन हैं, अगर आप बिजनेस से ताल्लुकात रखते हैं, अगर आप व्यापारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, तो वहां के लिए मैं निसंदेह एक बहुत ही अच्छा समय देख रही हूँ। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आप प्लीज अभी ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको लोन लेने की स्थिति, आप सोचते हैं कि लोन लेकर मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूँ, तो आप इस अपने बिजनेस प्लान को थोड़े दिनों के लिए आप जरूर नेपथ्य में डाल दीजिए, ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। इसके लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। हो सकता है अभी का लिया हुआ लोन आपको रीपे करने में बहुत ट्रबल का सामना करना पड़े, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़े। आप अपने शत्रुओं पर भी एक निगाह बना कर रखिएगा, आपके शत्रु प्रबल हो सकते हैं, तो आपके सामने आपके शत्रु किसी भी तरह से अपर हैंड ना ले पाए, आपकी इस डेलिकेट स्थिति का फायदा ना उठा पाए, इसके लिए आप बिल्कुल सजग रहिएगा। आप अपने राज को बिल्कुल दूसरों के सामने ओपन मत कीजिएगा। आप अपनी कमजोरियां या आपके जो बिजनेस प्लान्स हैं या आपके जो अंतरात्मा में द्वंद्व चल रहा है, इस तरह की कोई भी बात आप अभी दूसरों से शेयर मत कीजिए। आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, कॉन्स्पायर कर सकते हैं, तो आप ऐसी स्थिति पर निगाह बना के रखिएगा। आप अपने खर्चों पे जरूर ध्यान दीजिएगा, खर्चे आउट ऑफ हैंड जाते हुए दिख रहे हैं। और मैरिड पीपल के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके लिए ये एक अच्छे समय की शुरुआत है। यहाँ पर मैं आपके वैवाहिक जीवन में 4 चांद लगते हुए देख रही हूँ। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर, आपके वैवाहिक जीवन पर बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ आज मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।